नमस्कार दोस्तों, मैं जे पी पाल भोजपुरिया। मैं आज अपना टॉपिक उन पे लाया हूँ जो सिंगिंग में बहुत धोखा खा चुके हैं। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। मतलब मैं यही बोलने वाला हूँ कि स्टूडियोज़ में आजकल बहुत लूटपाट मच रहा है। अब आप सोच रहे होंगे क्या, जैसे वहाँ पे कोई नया बंदा जा रहा है स्टूडियो में सिंगिंग करने के लिए, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बता रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर कम नॉलेज रहता है तो ज़्यादा ठोकर नहीं खाए हुआ रहता है बंदा, तो उसको बहुत ठोकर दिया जाता है। कैसे, जैसे कि पुराना ओल्ड ट्रैक रहता है तो उसको मतलब जैसे कट करते हैं, कोई में से मतलब थोड़ा सा म्यूजिक कट करेंगे, फिर और किसी में से थोड़ा सा कट करेंगे, फिर बाद में क्या है उसको जोड़ देते हैं। जोड़ के बोलेंगे कि नया ट्रैक आपका बन के अवेलेबल रेडी हो गया है, आप आइए सिंगिंग करिए। तो वो बंदा जाएगा ही, जब वो गया वहाँ पे उसको क्या मालूम, मतलब थोड़ा सा किसी में से कट किया जाए, थोड़ा सा और किसी में से कट किया जाए, तो मालूम नहीं पड़ता है उसको, कोई भी नहीं बता सकता है। तो वो जब रिकॉर्डिंग हो जाएगा तैयार, तो मान लो किसी बड़े चैनल पे वो लॉन्च करने के लिए जाएगा बंदा, तो ऑटोमेटिकली कॉपीराइट आ जाएगा, तो वहाँ से पकड़ मतलब हो जाएगा कि मतलब बंदा कहाँ से चोरी किया है म्यूजिक डायरेक्टर। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप सतर्क रहिए, और मतलब जहाँ पे मतलब अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, सही काम करते हैं, वहाँ पे आप करवाइए। मतलब ज़्यादा करके मैं देखता हूँ म्यूजिक तो जो छोटे छोटे स्टूडियोज खुले हुए हैं वहाँ पे बनाते ही नहीं, क्योंकि उनको आता ही नहीं तो वो बनाएंगे क्या। जिसको आता है वही बनाता है ना, म्यूजिक सबको नहीं आता है बनाने के लिए। ट्रैक कोई भी नहीं बना सकता, जो बहुत बंदा सीखा हुआ रहेगा वही बना पाएगा, क्योंकि नए स्टूडियो में मैं जानता ही नहीं वो बंदा नया कैसे बनाएगा, वो बिल्कुल बना ही नहीं सकता, वो फ्रॉड ही करेगा। थोड़ा सा उसमें से कट करेगा, थोड़ा सा उसमें से कट करके मतलब एक ट्रैक उसको रेडी कर देगा, वो मालूम कब पड़ेगा, जब वो कॉपीराइट क्लेम आएगा, तो कॉपीराइट क्लेम आएगा तो ऑटोमेटिकली बड़े वाले चैनल जो रहते हैं वो डिलीट कर देते हैं, वो कॉपीराइट स्वीकार नहीं करेंगे। यदि उनके चैनल से ही आप मतलब कॉपीराइट गाएंगे तो वो तुरंत मतलब स्वीकार करेंगे, मतलब वो ले लेंगे। जैसे उनके ही चैनल का कोई भी सॉन्ग पहले से मतलब अपलोड है, तो अगर आप फिर उसी ट्रैक पे रिकॉर्डिंग करके मतलब दे रहे हैं तो वो ले लेगा, लेकिन क्या है किसी दूसरे चैनल का नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे से लोग जलते हैं, ये लाइन ही ऐसा है कि एक दूसरे से लोग जलते ही रहते हैं। तो बस मैं यही बताना चाहूँगा कि स्टूडियो में आप जाइए, जो मतलब पुराना स्टूडियो है उसमें ही जाइए। जैसे ज़्यादा करके बिहार में देखा जाए तो शंकर के यहाँ जो काम होता है बहुत परफेक्टली तरीके से होता है। शंकर जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो बहुत अच्छे से म्यूजिक बनाते हैं, और मैं तो उनकी बहुत सारी म्यूजिकें, और मतलब आज तक उनका कोई शिकायत अभी तक आया नहीं है। वो ऐसा बंदा मतलब देखिए जिसके दिमाग में नॉलेज है, जो जानता है, तो चोरी कभी भी नहीं करेगा। जिसके घर में धन नहीं है वो तो जाएगा ही बाहर चोरी करने। तो जहर सी बात है कि जिसके टैलेंट है जिसके पास, तो वो अपने टैलेंट से म्यूजिक बना के रेडी ही करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो से आपको थोड़ा जानकारी मिली होगी। सो थैंक्स।